है इन अंगों पर फिर दूर दूर तक नहीं होती कभी पैसे की कमी। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीचर। सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति का पूरे शरीर का विश्लेषण करके उसके व्यवहार और भविष्य के बारे में बहुत सी बातों का पता लगाया जा सकता है। शरीर के कई स्थान पर तिल होते हैं। समुद्र शास्त्र में हर तिल का एक खास मतलब भी माना जाता है। जहाँ कुछ तिल में शुभ माने जाते हैं तो वहीं शरीर के कुछ तिलों को अशुभ परिणाम से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर के किन अंगों पर यदि तिल होता है तो वह शुभ है और किन अंगों पर यदि तिल है तो वह अशुभ माने जाते हैं। बात करते हैं शुभ माने जाने वाले तिलों। देखिए, किसी व्यक्ति के माथे के ऊपर यदि तिल पाया जाता है तो वह बेहद ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि समुद्र शास्त्र में माना गया है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की नाभि के ऊपर या नाभि के आसपास तिल होता है तो इसे भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसे लोगों को कभी दरिद्रता नहीं झेलनी पड़ती। वहीं बात करते हैं यदि व्यक्ति के गाल पर तिल हो तो। देखिए, समुद्र शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो ये काफी अच्छा माना जाता है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन वहीं यदि बाएं गाल पर तिल है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। समुद्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ऐसा व्यक्ति अधिक खर्चीला हो जाता है, उसे अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं होता। यानी कि यदि उसके पास धन आता भी है तो धन आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेता है। वहीं समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के सीने के बीचों बीच तिल पाया जाता है, जी हाँ, ऐसा व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली होता है। इन लोगों को जीवन में समाज में खूब सम्मान मिलता है। जी हाँ, इन सभी का मान सम्मान समाज में किया जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के गले के पास तिल होता है तो इसे भी बेहद ही शुभ दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में खूब धन कमाता है और सुख समृद्धि उसके पास हमेशा बरकरार रहती है। शरीर के ये तिल समुद्रिक शास्त्र में माने गए हैं कि जिस व्यक्ति के नाक के दाहिने तरफ तिल होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन का लाभ जरूर होता है, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की दाहिनी हथेली पर तिल होता है तो ये आपके जीवन में आने वाली सुख और समृद्धि, मान और सम्मान की ओर इशारा करता हुआ दिखाई देता है। यदि आपके शरीर के भी इन अंगों पर तिल है और आपने ऐसे बदलाव महसूस किए हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।